हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जॉब फेयर चैनल। तो आज इस वीडियो में बात करने वाले हैं IREL इंडिया लिमिटेड की तरफ से जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन निकाली गई है उसके बारे में। यहाँ पर जो है वो वेरियस पोस्ट के ऊपर आपकी सुपरवाइजरी ट्रेनिंग की वैकेंसीज निकाली गई हैं और ये एप्लीकेशन जो है फिलअप होना स्टार्ट होगी आपकी 30 अक्टूबर से, और जो लास्ट डेट है इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई करने की वो है आपकी 14 नवंबर। 14 नवंबर तक जो है वो आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं 14 नवंबर तक। यहाँ पर जो फर्स्ट वैकेंसी आपकी वो है आपकी ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस में, 3 टोटल वैकेंसी हैं। सेकेंड वैकेंसी है ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR, 4 टोटल वैकेंसी हैं। डिप्लोमा ट्रेनी सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल में आपकी 37 वैकेंसीज हैं। ट्रेनी जियोलॉजिस्ट पेट्रोलॉजिस्ट की आपकी 8 वैकेंसीज हैं। इसके अलावा ट्रेनी केमिस्ट की आपकी 4 वैकेंसीज हैं। जो कंसोलिडेटेड मंथली स्टाइपेंड आपको प्रोवाइड किया जाएगा वो 37,000 प्लस होगा आपको, और जो मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है वो है आपकी 26 ईयर आपकी मैक्सिमम एज लिमिट यहाँ रखी गई है। इसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हैं तो एज पर गवर्नमेंट रूल आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड की गई है। रिजर्वेशन जो रहेगी यहाँ पर अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 22 वैकेंसीज हैं। EWS के लिए 6 वैकेंसीज हैं। OBC नॉन क्रीमी लेयर 15 वैकेंसीज हैं। SC के लिए 9 वैकेंसी रिजर्व हैं। ST के लिए 4, PWD कैंडिडेट्स के लिए 2 वैकेंसी यहाँ पर रिजर्व रखी गई हैं। जो क्वालिफिकेशन यहाँ मांगी गई है आपसे, अगर आप ग्रेजुएट ट्रेनिंग फाइनेंस के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ग्रेजुएट होने चाहिए कॉमर्स में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आप ग्रेजुएट ट्रेनिंग HR के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ग्रेजुएट होने चाहिए आप किसी भी डिसिप्लिन में किसी भी रिकॉग्नाइज यूनिवर्सिटी से। अगर आप डिप्लोमा ट्रेनिंग सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल या केमिकल के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो आपके पास 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए सिविल मैकेनिकल इलेक्ट्रिकल केमिकल में। अगर आप जियोलॉजिस्ट पेट्रोलॉजिस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो ग्रेजुएट होना चाहिए जियोलॉजी अप्लाइड जियोलॉजी में विद जियोलॉजी केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट। अगर आप केमिस्ट के लिए अप्लाई करने वाले हैं तो 3 ईयर का डिप्लोमा होना चाहिए इंजीनियरिंग में आपके पास, या फिर ग्रेजुएट होना चाहिए साइंस विद केमिस्ट्री एज ए मेजर सब्जेक्ट, तभी आप इस एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। जो एज रिलैक्सेशन यहाँ प्रोवाइड की गई है, अगर आप अनरिजर्व EWS कैटेगरी से हैं तब आपको एज रिलैक्सेशन प्रोवाइड नहीं की गई है। OBC कैटेगरी से हैं तो 3 ईयर की, SC ST से तो 5 ईयर की, PWD कैंडिडेट्स हैं तो 10 ईयर की आपको एज रिलैक्सेशन यहाँ पर प्रोवाइड की गई है। जो एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ रखी गई है वो है आपकी 500 रुपीज़। अगर आप जनरल EWS OBC कैटेगरी से हैं तो आपको 500 रुपीज़ जो है एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे करनी है, और अगर आप SC ST PWD या एक्स सर्विसमैन कैटेगरी से बिलोंग करते हैं तब आपको किसी भी तरह की कोई एप्लीकेशन फ़ीस यहाँ पे नहीं करनी है। आपने यहाँ पर ध्यान रखना है कि जो रिटर्न टेस्ट के जो सेंटर हैं वो सिर्फ यही हैं, मुंबई, नागपुर, त्रिवेंद्रम, कोची, भुवनेश्वर एंड नगरकोइल, ये आपके एग्जामिनेशन सेंटर यहाँ पर आपको प्रोवाइड किए गए हैं। इस नोटिफिकेशन का लिंक मैंने आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करवा दिया है, वहाँ जाकर आप इस नोटिफिकेशन को चेक कर लेंगे। तो आज की वीडियो में इतना ही। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।